ये देखिए हो गई है हॉस्पिटल से छुट्टी और हम लेके जा रहे हैं अपने बेबी को घर। चलो अब घर में ही बनाएंगे सीधे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हो गई है नए दिन की शुरुआत और उसके साथ ही नए व्लॉग की शुरुआत। तो हो गया हूँ, देखिए मैं नहा धो के एकदम रेडी जाने के लिए हॉस्पिटल। अभी थोड़ी देर में डिस्चार्ज होने वाली है वाइफ और बच्चा और हम सभी लोग वापस आएंगे घर को। आज वेलकम होगा बेबी का घर में। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे व्लॉग में, देखते रहिए व्लॉग को। आज का व्लॉग है इंटरेस्टिंग क्योंकि हमारा बेबी आज आ रहा है घर और तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। मैंने बुलाए हैं थोड़ा सा डेकोरेशन वगैरह करने के लिए सिस्टर और वो लोग करेंगे। दिखाता हूँ मैं आपको, अभी बलून्स वगैरह लग रहे हैं तो मैं भी निकलूँगा थोड़ी देर में उनको लेने के लिए। तो देखिए ये देखिए चल रहा है कार्यक्रम। बलून ही बलून। चलिए चलते हैं हॉस्पिटल को, हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। गाड़ी निकाल लूँ मैं तो चला जाए फिर अब गाड़ी लेके अपनी। तो निकलता हूँ अब अस्पताल को, मैं और पापा जा रहे हैं, अभी लेके आते हैं उन्हें थोड़ी देर में। चलिए चला जाए। ट्रिपलिंग हो रही है, पुलिस वाले लेके जा रहे हैं कैदी को ट्रिपलिंग में, बाइक में, नो हेलमेट। पहुंच गया हूँ हॉस्पिटल सामान लेके, थोड़ी देर में पहुंचते हैं घर, डिस्चार्ज करवाते हैं और फिर चलते हैं घर को। चलो चलो खोलो खोलो खोलो। प्रणाम, धन्यवाद।
ये देखिए हो गई है हॉस्पिटल से छुट्टी और हम लेके जा रहे हैं अपने बेबी को घर, अपनी मम्मी के पास है। ले जा मम्मी। ये है भौमिक, ये देखिए आ गई है बेबी को लेके। मेरे को गज बजाना मत कर, अपने हिसाब से। चलो अब घर में ही बनाएंगे सीधे। स्ट्रेट है। पकड़ो इसको, पकड़ो। लो पकड़ो मम्मी। बस पहुंचने वाले हैं हम घर, सभी लोग बैठे हैं। साफ करवाया। अच्छा ये पास हो बना है ना। अरे ले ले चलो भले करे। हाँ हाँ कल दिया आओ ये आपके लिए आराम से। अपने घर भी जाएंगे इसके, कोई बात नहीं। क्या हुआ मेरे जरा पिटिया। चलो कोई नहीं पाऊं। अरे रुक जा, रोना मत। हां अरे पूरा बंद हो गया, रोना मत। चुप रहो यार। एक पैर आगे खोल दे, अगर तू ओके रुक जा, ऐसे ही लगा देता हूं। ठंडा कर रहा हूं उसको। ओ ओ यार हो गया, कोई बात नहीं। यार होगा ठंडा लगाओ लगा। आराम से
चलो कोई बात नहीं, चलो चलो हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। बीच में खुशबू दिखा, दिखा खुशबू दिखा, मम्मी छोड़ दो अंदर के पास जाएंगे वैसे। मम्मी का यहाँ देखिए गाइस आ गए हैं घर, दोनों का हो गया है स्वागत, बच्चे का देखिए सजा रखा है पूरा, सभी लोग हैं अंदर, वेलकम वेलकम होम बेबी। देखिए सब लोग बैठे हैं, सब लोग खड़े हैं, ये देखिए रोने लग गया बच्चू मेरा। ले लो, ये देखिए इनने पूरा बनाया था सिस्टम, दिखाता हूँ आप लोगों को। गाइस अभी मैं आ गया हूँ बाहर, देखिए मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ इन्होंने कैसा सेटअप बनवाया है, ये देखिए पूरा सजा रखा है, वेलकम वेलकम लिखा है गुलाब से फूलों से, और पूरा बलून्स लगा के बेबी के लिए सजाया हुआ है, ये देखिए पूरे रोजेस सभी लोग और बलून्स लगे हैं, लगना है इसके लिए। कैसा लग रहा आप घर आके हैं, मोटा पेट लेके गई थी और पतला लेके आ गई, और एक अकेले गई थी और दो लेके आ रही हो, दो दो लोग आ रहे हो अकेले जाके, बताओ ये करण टनकपुर से पहुंच गया है, चाची कल्पना, ये है बुआ बुआ, शादी होते ही बुआ बना दिया हमने से, ये है दादी, ये है दादाजी, ये चाचा बड़े चाचा छोटे चाचा, और नानी है किचन में, नानी आते ही किचन में चले गई। तो गाइस देखिए मेरा मुन्नू आ गया है घर, मेरा बच्चा मेरा बेटा प्यारा प्यारा, और बने रहिए मेरे व्लॉग में, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दबा के। तो गाइस सब वेलकम हो गया है बेबी का, बेबी को सुला दिया है, दोनों सो गए हैं अपने रूम में, और अभी ये चुक्कू कर रहा था हल्ला, तो इसको घुमाने के लिए लाया हूँ खेत में ऊपर, देखिए चुक्कुआ घूम रहा है मेरे साथ। तो बने रहिएगा मेरे व्लॉग में, दिखाता हूँ अभी बुआ लोग भी आए हैं तो सबसे मिलवाऊंगा आप लोगों को। तो चलिए सब दादी आ गई हैं, ये मोटी वाली परदादी हैं, ये दादी हैं, ये बुढ़ी वाली परदादी हैं बिना दांत वाली ना, ये नहीं है नीचे के, ये देखिए भजन कर रहे हैं, चल रहे थे भजन बच्चे के आने की खुशी में, अभी रोड में शायद एक्सीडेंट हुआ है क्या हुआ है कुछ, मैं देख के आता हूँ फटाफट कुछ हुआ है।
गाइस अभी थोड़ी देर घुमाते हैं कजूरिया तक, थोड़ी मिठाई वगैरह लेनी है, मिठाई वगैरह ले आते हैं, मैं और करण जाते हैं। तो चलिए, ठंडा बहुत हो रहा, कोहरा आने लग गया, इसलिए गाड़ी लेके जाता हूँ। बाइक में घूमना सही नहीं है, स्कूटी बाइक में। तो चलिए चलते हैं, निकलते हैं। क्रेजी नूडल्स पहुंच गए हैं, पहले खा लेते हैं मोमो, बाकी करेंगे फिर काम खाने के बाद। आ गए हैं हमारे हरे भरे मोमोज, बढ़िया खाते हैं, अब रुका नहीं जा रहा है, निपटा के बात करेंगे आगे को। गाइस सामान लेके आ गए हैं घर, ये ले लिए मिठाई दवा, और पीछे से करण ला रहा है सब्जी और दूध, तो सारा सामान ले आए हैं। हाँ कू कर ले तू पहले, तो चलते हैं अब अंदर को। चलिए तो गाइस काम वाम सारे निपट गए हैं आज दिन भर के, आज दिन भर यही काम रहा, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाया बीवी को और बच्चे को, तो ले आए थे दिन में 1:30 बजे के टाइम पर घर पहुंच गए थे। उसके बाद थोड़े मेहमान आए बुआ लोग, तो फिर खाना वाना खा के फिर आराम करके अभी सारे बाहर के काम निपटा के अब आ गया हूँ अपने रूम में, और बैठा अपने रूम में अपने बेबी के साथ और अपनी बीवी के साथ। तो थोड़ी आराम चाहिए अब शरीर को, बॉडी को, अब फिर से काम पे अपना काम भी शुरू करना है दोबारा से। थोड़ा इस बीच इन कामों में व्यस्त रह गया, ये ज़्यादा ज़रूरी थे क्योंकि, तो बने रहिए मेरे व्लॉग में मेरे साथ। अभी टाइम हो गया है 6:45 हो गए हैं, और अभी तो थोड़ा सा कंटिन्यू रहेगा, डिनर विनर करके फिर सो जाएंगे आराम से, अगर छोटा सोने देगा तो। चलिए बने रहिए, मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो गाइज रात के बज गए हैं 8:30, थोड़ा आराम करके अब मैं चेंज वेंज कर लिया है मैंने, मुँह भी धो लिया है, तो अभी मैं आया हूँ बाहर को, मतलब बाहर ऊपर ही हूँ, बाहर हूँ थोड़ा सा रूम से। और देखिए बाहर एकदम बिल्कुल घना कोहरा आ गया है, बिल्कुल बंद, रात के 8:30 बज रहे हैं और सब कुछ बंद हो गया। देखिए ये देखिए सामने दिख रहा होगा आपको वीडियो में, ये इतना भयानक कोहरा आ गया है, बाहर जाओ तो ऐसे बिल्कुल ओस जैसी सर में पड़ ली है, और बिल्कुल ऐसे धुआं जैसा उड़ रहा है, और पानी भी टपकने लग गया, ये ऊपर टिन से बूदे बूदे गिर रही हैं, बहुत ज़्यादा भयानक कोहरा। लेकिन मौसम उतना ठंडा नहीं है, मौसम अभी नॉर्मल है, गर्म उतना गर्म भी नहीं है, मतलब नॉर्मल है, ना ठंडा हो रहा है ना गर्म हो रहा है, बढ़िया मौसम हो रहा है। अब कल सुबह जब पूरा पाला और ओस पड़ जाएगी तो फिर सुबह होगा भयानक ठंडा, तो ठंड से बचने की बहुत ज़रूरत है। अभी मेरे को हल्का हल्का एक तरफ की नाक बंद जैसी हो रही, जुकाम जैसा हो रहा है, और अब तो सुनने में आ रहा है कि कोरोना भी फिर से चाइना में फैल चुका है, तो थोड़ा सा बचाव करने की ज़रूरत है। सभी से मेरी एक अपील ही समझ लीजिए कि मास्क पहने, और फिर से एक बार पुराने जिस टाइम कोरोना के टाइम में जैसा डेली रूटीन था, मास्क सैनिटाइज़र, थोड़ा सा लोगों से बच के दूरी बनाए रखें, सावधानी रखें, और मुझे भी रखने की ज़रूरत है और सभी को रखने की ज़रूरत है। मुझे तो स्पेशली ज़्यादा रखने की ज़रूरत है क्योंकि छोटा बेबी भी है और बीवी भी है, ऑपरेशन हुआ है अभी, तो सावधानी रखें और कोरोना से बचें, सभी सुरक्षित रहेंगे अगर बचाव करेंगे तो। तो अभी थोड़ी देर में करूँगा डिनर, भूख भी लग रही है, आज सुबह से मैंने कुछ खाया ही नहीं, आज सुबह से लिटरली मैंने कुछ नहीं खाया। सुबह उठा, सुबह एक चाय पी, उसके बाद मैं भूल गया खाना खाना, फिर तैयार तैयार होकर सीधे चले गया था हॉस्पिटल को। हॉस्पिटल गया तो 2 बजे आया, फिर मैंने 3:30 बजे कल्पना ने बनाई थी पुलाव बनाया था, तो पुलाव भी खाया सीधे 3:30 सुबह। इससे मैं एक कप चाय पी के ही चल रहा था, तो फिर शाम को तो थोड़े से मोमो खा लिए थे, कटेरिया को गया तो मन कर गया खाने का, फिर अभी अब डिनर कर लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे डिनर करके। बने रहिए वीडियो में, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ डिनर करके। तो गाइज आ गया हूँ अपने रूम में,
और अब सो जाता हूँ, बहुत हो गया है, नींद आ रही है तेज, 11:30 बज गए हैं रात के। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब टाटा बाय बाय, गुड नाइट, बाय।